तो जय हिंद प्यारे विद्यार्थी, आप लोग का हमारे चैनल में स्वागत है। तो फाइनली आप लोग का कक्षा 12वीं का त्रैमासिक परीक्षा का आप लोग असली पेपर देख सकते हो, जो कि आपका 13 तारीख को होने वाला फाइनली रियल पेपर आपका रियल पेपर है। यहाँ पर देख सकते हो आपका यही पेपर 100% आएगा, आपके परीक्षा हॉल में यही पेपर देखने को मिलेगा। तो आप लोग का यहाँ पर देखो पूरा 9वीं से 12वीं तक का पूरी की पूरी कॉपी हमारे पास आ चुकी है। यहाँ पर पूरा कॉपी है हमारे पास, और जो है और भी अगला नेक्स्ट दिन का पूरा कॉपी आ चुकी है, वो भी आप लोग को चलिए दिखा देते हैं। आपकी नेक्स्ट दिन जो कॉपी आपका जो है अगला पेपर होगा नेक्स्ट दिन का, वो पूरा का पूरा यहाँ पर देख सकते हो, पूरा का पूरा रियल पेपर एक गट्ठा ही है। यहाँ पर देख लो ये पूरा पूरा रियल पेपर यही पेपर आएगा आपका। तो आपका ये पेपर जो है फिजिक्स का, आप सॉरी आपका जो है यहाँ पर हिंदी का फुल सॉल्यूशन लेकर आ चुके हैं। तो आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा पूरा का पूरा फुल सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में पूरा फुल सॉल्यूशन बताएंगे। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक मिलता रहे। तो यहाँ पर चलिएगा देख लेते हैं, यहाँ पर कक्षा 12वीं का हिंदी जो है आपका यहाँ पर पूर्णांक जो है 80 होगा, और आपका तो यहाँ पर देख लो 80 पूर्णांक रहेगा। सेट ए आपका 12वीं का कक्षा 2023-24 आपका यह है। निर्देश यहाँ पर पढ़ लीजिएगा, निर्देश पढ़ने के बाद चलिए क्वेश्चन की ओर आपको चलते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिएगा आपका पहला क्वेश्चन से यहाँ पर क्या है इस प्रकार से। तो चलिएगा जो है कि आप लोग का पहला क्वेश्चन रहेगा यहाँ पर, तो आप राइटिंग जो है उसमें कम ऑलरेडी हो जाता है बच्चों का, मैं देखता हूँ कि राइटिंग में कमी हो जाता है, इसलिए पूरे क्वेश्चन को हल करना है, राइटिंग में आपका खुद ही काट लेंगे। तो इसलिए चलिए आपका पहला यहाँ पर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपका जो है पहला क्वेश्चन है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता में हताश व दुखी क्यों है। तो जिन दिन जो है जल्दी जल्दी ढलता है, यहाँ पर चार ऑप्शन दिया गया है। हाँ, जो है पहला नंबर है आर्थिक हानि के कारण, जो है अपराध के कारण, और यहाँ पर है आपका परिवार के बिछड़ने के कारण, और इनमें से कोई नहीं, आप लोग का चार ऑप्शन। तो आप लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, जो कि मैं पहले ही आप लोग को राइट आंसर छांट के लगा दिया है कि आप लोग को उस समय जब पेपर प्रोवाइड करूं तो उसमें कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पर दूसरा नंबर है किस रस को रसराज कहा जाता है, यहाँ पर चार ऑप्शन है कड़ूर कड़ूर रस, श्रृंगार रस, और यहाँ पर है भक्ति वात्सल। आप लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा, श्रृंगार रस को जो है रसराज कहा गया। अगला है बाजार जादू चढ़ने का क्या अर्थ है, यानी कि बाजार में जादू चढ़ने का क्या अर्थ है। आप जानते हो किसी भी बाजार में रंग बिरंगी जो भी साग सब्जी वगैरह जितनी भी चीज़ होती है बाजार में, जानते हो कपड़ा वगैरह, तो आपको आकर्षित करने का काम करती है, यानी कि आप बाजार जाते हो तो कुछ लेने का मन कुछ और रहता है और लेके कुछ और आ जाते हो। ये आपके अध्याय में अगर पढ़े होंगे तो ये आप लोग को देखने को मिलेगा, यानी कि आकर्षित करती है। तो यहाँ पे जहाँ भी आप लोग को चार ऑप्शन है उपहार वस्तुएं, और इनमें से कोई नहीं, उधार की वस्तुएं, आकर्षित वस्तुएं, तो आकर्षित हो जाएगा राइट आंसर आप। और आप लोग का अगला चलिए देख लेते हैं चौथा क्वेश्चन में, वे विभिन्न शब्द जिनका स्रोत संस्कृत नहीं है, भारत के जो है ग्राम्य क्षेत्रों अथवा जनजातियों में बोली जाने वाली विभिन्न भाषाओं के जो है परिवारों के है कहलाते हैं। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, विदेशी क्षेत्रीय शब्द और तकनीकी शब्द निपास शब्द, इसका राइट आंसर हो जाएगा क्षेत्रीय। इस प्रकार से अगला, यशोधर बाबू अपना आदर्श मानते थे, यशोधर बाबू जो थे अपना आदर्श मानते थे, तो किसको, अपने साले को, अपनी पत्नी को, और जो है भूषण को, कि किशनंदा को, एक किशनंदा को मानते थे। इस प्रकार से चलिए अगला है, अगला आपका क्या है, यहाँ पर बोल रहा है टीवी पर प्रसारित खबरों का महत्वपूर्ण है वेबसाइट, तो आप लोग यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर विजुअल और है वाइट नेट, इस उपयुक्त में से सभी, तो ये आपके सभी राइट आंसर हो जाएंगे। इस प्रकार से चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि आपका अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है। तो आपका अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर है, चलिए देख लेते हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है आपका, तो इसका जो है आप भक्ति काल में जो है प्रेम मार्गी शाखा के प्रमुख कवि कौन थे, यहाँ पर जो है आपका 7 अंक है, प्रत्येक पर एक अंक निर्धारित है, तो आपका यहाँ पर जायसी कबीर, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, जो है राइट आंसर हो जाएगा कबीर। इसके बाद आपका अगला है पतंग की पतली कमानी खाली स्थान की बनी होती है, किसकी होती है, तो बांस की, जो है आप लोग जानते हो पतंग की पतली पतली जो है पतंग में लगी रहती है, जो उसे बोलते हैं क्या, कमानी, या कमानी बोलते हैं उसको, जो है किसकी वो होती है, तो जो है बाँसों की पतली पतली लगी रहती है, जिससे पतंग को आसानी से हवा में उड़ाने का काम करेगा। चलिए आपका अगला हो जाएगा, अगला क्या है यहाँ पर दिया गया है 22 से 26 मात्रा होने वाले छंद को खाली स्थान कहा जाता है, जो है 22 से 26 मात्रा वाले छंद को क्या कहते हैं, तो सेवैया कहते हैं। इस प्रकार से अगला है भक्तिन का
कद खाली स्थान था, भक्तिन का जो है कद क्या था, तो भक्तिन का जो कद था वो छोटा था, तो ये राइट आंसर हो जाएगा छोटा आपका, यहाँ पर लगा देता हूँ छोटा। इस प्रकार से अगला है हालदार साहब अब भी नहीं समझ पाए वाक्य में खाली स्थान शब्द है क्या है, यौगिक है या फिर निपात है, तो आप लोग का राइट आंसर निपात शब्द हो जाएगा। इस प्रकार से यानी कि हालदार साहब अब भी नहीं समझ पाए यह वाक्य में निपात शब्द है। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है यशोधर बाबू ने दफ्तर में जो है लौटते हुए रोज खाली स्थान जाने की आपका रीति अपनाई। यहाँ आपका जो है वो अपने दफ्तर में लौटते हुए यानी अपने कार्यालय से लौटते हुए जब वापस आते थे तो कहाँ जाते थे, वो हमेशा कहाँ ये बिरला मंदिर जाते थे, उस मंदिर में जाके अपनी जो है रीति जो भी होता है आपकी, आप भी अपने नीति के अनुसार ही कुछ काम करते हैं, तो उसी प्रकार यशोधर बाबू जी भी अपने नीति के अनुसार ही जो है बिरला मंदिर में जाके नीति अपना अपनाते थे। इस प्रकार से राइट आंसर। अगला है आपका संपादकीय को खाली स्थान की आवाज़ माना जाता है, तो किसका माना, अखबार की या आम जनता की, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अखबार की, सॉरी आपका आम जनता हो जाए, क्योंकि यहाँ पर संपादक पूछा है, तो इसका अखबार की नहीं मान्यता, क्योंकि जो अखबार में नहीं, यहाँ पर सामने सबूत के साथ अगर आम जनता आपके यहाँ पर सबूत के साथ आ गई है तो अखबार की वहाँ कोई जरूरत नहीं है, यहाँ आम जनता ही सब कुछ वहाँ पर मानी जाएगी। चलिए आपका अगला हो जाएगा सही जोड़ी बनाकर लिखना है, यहाँ पर आप लोग को सही जोड़ी का मिलान करना है, तो उसका भी हम मिलान करेंगे, यहाँ पर खंड खंड पकड़ के दिया जाएगा, छंका प्रत्येक पर एक अंक निर्धारित है, चलिए इसका मिलान भी हम लोग देख ही लेते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, पहले है आपका पहला का ग नंबर, दूसरा का अंगा नंबर, तीसरे का क नंबर, चौथे का च नंबर, पांचवे का ख नंबर और छठवे का ग नंबर। चलिए यहाँ पर देख लीजिए, पहले का क्या हो जाएगा आपका ग नंबर, ये क्या हो जाएगा आत्म परिचय का मनोहर श्याम जोशी, महाकाव्य का क्या हो जाएगा महादेवी वर्मा, ये आपका अंगा नंबर, या जेठ का पुत्र जेठौत, जेठ का पुत्र क्या कहलाता है ऑप्शन नंबर का जेठौत हो जाएगा। इस प्रकार से अगला है अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार कितने होते हैं, आठ प्रकार के होते हैं। इस प्रकार से अगला है सिल्वर वेडिंग क्या होते हैं, ये जो है सिल्वर वेडिंग ये होता है प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर मनोहर श्याम जोशी जो कि 25वीं साल जो है वो शादी वाले जो पाठ आपका है ये सिल्वर वेडिंग आपका, तो वही वाला आपका ऑप्शन नंबर खरा मनोहर श्याम जोशी। इस प्रकार से अगला है यहाँ पर मुद्रित माध्यम की जो है विशेषता, तो क्या है शब्दों का अस्थायित्व, इस प्रकार से ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम जो है इसका पूरा पेपर और सॉल्यूशन पूरा क्या करेंगे, हम आपके इस टेलीग्राम जो हमारा ग्रुप है आप लोग को केवल आप लोग के लिए बनाया गया है, उसमें कोई भी अगर यूट्यूब पर कोई भी प्रॉब्लम आता है या कुछ भी दिक्कत आती है पेपर को अगर वायरल करने की अनुमति, तो आपको जो है कि टेलीग्राम पर पेपर प्रोवाइड कर दिया जाएगा, कुछ भी दिक्कत आता है तो टेलीग्राम पे आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जल्दी से जाओ फटाफट जुड़ जाओ, जिससे आप लोग को बातें भी कर सकते हो हमसे, जो भी करना है और कुछ लेना देना भी है तो उस पर ही हो जाएगा। इसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन आप लोग का है एक शब्द एक वाक्य में उत्तर, चलिए यहाँ पर देख ही देते हैं आप सात अंक प्रत्येक प्रकार निर्धारित है। यहाँ पर है कविता का उड़ान कौन नहीं जानता, कविता का उड़ना जो है कौन नहीं जानता, तो इसका जो है आप लोग का जो है चिड़िया नहीं जानती, कविता का उड़ना कौन, कविता जो है चिड़िया नहीं जानती, तो इसका चिड़िया राइट आंसर हो जाएगा। अगला है जहाँ काव्य की शोभा में वृद्धि का आधार शब्द हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है, तो वहाँ जो है शब्दालंकार होता है। अगला है आपका गन्ने के पके हुए गाढ़े रस को क्या कहा जाता है, तो वहाँ गुड़, आप जानते हो जो पक जाता है गन्ना उसके जो है पके हुए गाढ़े रस, उसका जब रस निकाला जाता है तो उसको गाढ़ा किया जाता है, उसके उस गाढ़े रस को क्या कहते हैं, तो उसको जानते हो आप गुड़ जानते हो, गुड़ उसी गुड़ को कहते हैं। इसके बाद अगला है यहाँ पर चूरन बेचने का काम कौन करता था, जो चूरन था उसको बेचने का काम कौन करता था, तो भगत सिंह जो है वे करते थे इसको बेचने का, भगत जी आप लोग का। अगला है पांच क्षेत्रीय शब्द के नाम, तो यह पांच क्षेत्रीय शब्द के नाम तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बता देंगे हम, आप देख लीजिएगा, जो कि पहले का चिड़िया हो जाएगा, दूसरा का शब्द, तीसरा का गुड़, चौथे का भगत, और पांच शब्द यहाँ पर क्या हो जाएगा लट्टू लोटा चप्पर, यहाँ पर हो जाएगा खटिया छानी, ये कुछ भी लिख सकते हो किसमें, यहाँ पर सीधे बोल दिया है यहाँ पर पांच क्षेत्रीय, अपने अपने क्षेत्र में किसी पांच आप कुछ भी लिख सकते हो, जो अपने क्षेत्र में जो आपके एरिया में होगा उसको पांच छोड़ लीजिएगा, जो भी लिखना हो।
इसके बाद अगला है आपका डिन, यहाँ पर है किस नंदा यशोधर को क्या कहकर पुकारते थे, जो है कृष्णनंदा जो है यशोधर को क्या कहकर पुकारते थे, तो यशोधर बाबू कहकर पुकारते थे। तो यशोधर बाबू राइट आंसर हो जाएगा, यशोधर बाबू आप लोग देखो। इस प्रकार से आपका अगला क्वेश्चन से बोल रहा है, क्या बोल रहा है यहाँ पर, बोल रहा है डेट लाइन किसे कहते हैं। तो ये क्वेश्चन को आपको छोड़ दे रहा हूँ, जो कि कमेंट कीजिएगा इस राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। अगर आप लोग को नहीं आता है तो मैं आप लोग को प्रोवाइड कर दूंगा। चलिए आपका अगला है सत्य एवं असत्य का कथन। इस प्रकार छह अंक है प्रत्येक परीक्षा में, आप लोग का सत्य और असत्य बताना है, ठीक है, क्या करना है बताना है। तो अगला यहाँ पर चलिए क्या है, पहला नंबर यहाँ पर बोल रहा है सीधी बात भाषा में चक्कर में टेढ़ी फंस गई, तो ये आप लोग का सही है। इस प्रकार से अगला है दुर्मिल सवैया का दूसरा नाम चंद्रकला है, हाँ ये भी सही है। अगला है भक्तिन का जीवन जो है संघर्षशील रहा, हाँ ये भक्तिन का जो जीवन था वो बहुत ही ज़्यादा संघर्षशील रहा। चलिए आपका अगला है लोकोक्ति को कहावत भी कहते हैं, तो लोकोक्ति जो होती है वो लोकोक्ति लोगों की होती है, जो कि लोगों के जो है बातचीत की जो होती है उसे लोकोक्ति कहते हैं, तो आपसी जो है लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, तो लोकोक्ति की एक कहावत है। चलिए आपका ये राइट आंसर हो जाएगा कि हाँ सही है। इस प्रकार से अगला है मनोहर श्याम जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार सम्मानित किया गया था, हाँ किया गया था, ये भी सही है। अगला है आपका कैमरे के सामने अपाहिज के साथ साथ दर्शकों को रुलाने की कोशिश की गई थी, यही भी सही है। यानी कि आपके सत्य असत्य थे पूरे आपके सही हैं, पूरे में सत्य लिख के आइएगा, आपका पूरा नंबर मिलेगा। अगर कटेगा तो हम हैं जिम्मेदारी इसका लेंगे, एक भी नंबर नहीं कटने वाला क्योंकि पूरा रियल है। इसके बाद आपको अगर डाउट लगता है तो आप भी सर्च कर से देख सकते हो यहाँ पर, या फिर अपने बुक से खोज के। चलिए यहाँ पर अगला देख लेते हैं नई कविता की जो विशेषताएं, यहाँ पर कवियों के नाम लिखना है, तो आपका राइट आंसर देख लीजिएगा, जो कि नई कविता की जो विशेषताएं और कवियों के नाम भी यहाँ पर दिए गए हैं, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपका अगला क्वेश्चन से यहाँ पर क्या है, यहाँ पर स्नेह सुराग से क्या अभी आशय है, तो जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ये राइट है, स्नेह सुराग से आशय है कि प्रेम जो है प्रेम की मादकता और उसका जो है पागलपन, जिसे कवि का हर क्षण महसूस करता है, उस मन को जो है झंकृत होता रहता है, ये हो जाएगा। इस प्रकार से अगला क्वेश्चन को चलिए देख लेते हैं। अगला है यहाँ पर दो महाकाव्य और उनके रचनाकारों के नाम लिखना है, तो ये राइट आंसर आपका हो जाएगा, ये राइट आंसर, उनके रचनाकारों के नाम भी यहाँ पर चार मैं दे दिया हूँ, तो आप किसी दो को लिख लीजिएगा। इस प्रकार से अगला है जो आपको जो है याद करने में आसानी होगा ना उसको ले लीजिएगा। इस प्रकार से अगला है आपका विरोधाभास अलंकार की परिभाषा, और इसका अथवा है यहाँ पर क्या है व्यतिरेय अलंकार की परिभाषा। तो जो है इसका जहाँ विरोधाभास अलंकार पूछा है, तो जहाँ वास्तव में विरोध न होकर केवल विरोध का आवास हो उसे विरोधाभास अलंकार कहते हैं। इस प्रकार से आपका अगला है क्या है, यहाँ पर गद्य की विधाओं को प्रमुख एवं यहाँ पर गौड विधाओं की वर्गीकृत करके इसका जो है अथवा है निबंध किसे कहते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यही आपका गद्य विधाओं की। इसके बाद आपका अगला है क्वेश्चन है लागन न चुकाने पर जमींदार ने भक्तिन को क्या सजा दिया था। आप लोग को पता है कि जो है लागन न चुकाने पर भक्तिन को दिन भर कड़ी धूप में छुप जो है उनको दिन भर धूप में खड़ा कर दिया गया था। यहाँ पर देख लीजिएगा लागन न चुकाने पर जमींदार ने भक्तिन को दिन भर कड़ी धूप में रखा था, छुपा दिया था, मतलब खड़ा करा दिया था, से अपमान बहुत ज़्यादा अपमान किया गया था, और वे फिर विचार से भक्तिन जो है अपना गांव को छोड़ के शहर आ गई थी, और बहू बेटी जो भी थे सबको छोड़ दिया था, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला है लोकोक्ति और मुहावरे में अंतर लिखना है, तो लोकोक्ति और मुहावरा का राइट आंसर यहाँ पर देख लो, अंतर जो है इसको याद कर लीजिएगा। इसके बाद अगला है शब्द युग्म क्या है उदाहरण सहित बताइएगा, तो यहाँ पर शब्द युग्म क्या है इसको ये राइट आंसर हो जाएगा कि सुनने के समान परंतु विभिन्न अर्थ वाले शब्द युग्म उदाहरण सहित आप भोलेनाथ भी कहा जाता है, आपका राइट आंसर। इस प्रकार से अगला है यशोधर बाबू के चरित्र की विशेषताएं क्या हैं, तो उसकी विशेषता जो है ये हो जाएगी यशोधर बाबू के, कि यशोधर बाबू जो है परंपरावादी धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, वे जो है कर्मकांड के खिलाफ थे, और वे जो है गम से हर मौके पर जो है रिश्तेदारों को यहाँ जाते थे, और उन्हें दिखावा पसंद नहीं था, ये राइट आंसर हो जाएगा, लिख लीजिएगा। इसके बाद आपका अगला है
क्या है, एक अच्छे लेखन के ध्यान देने योग्य कौन सी बातें होती है। एक अच्छे लेखन जो होते हैं उनके ध्यान देने योग्य बात, आपको अगर लगता है कि पत्रकारी लेखन के बारे में अगर जानकारी होगी तो वो भी लिख सकते हैं अथवे में, तब इसको छोड़ देनी है, किसी एक को लिखना है। चलिएगा जो है इसका राइट आंसर आप लोग को देख लेते हैं, ये हो जाएगा आपका कि पत्र लेखन के जो है याद रखने वाली बातें कौन सी है। स्पष्टता, औपचारिक, आधुनिक, अस्पष्टता से बचे, ये आप लोग का राइट आंसर हो गया। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला आपका यहाँ पर है, इनमें लिखित बिंदुओं के आधार पर हरिवंश राय बच्चन और रघुवीर सहाय जी का जो है यहाँ पर साहित्य में परिचय, दो रचनाएं, भाव पक्ष, कलापक्ष, साहित्य में स्थान लिखना होगा। तो आपका जो है इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, दो रचनाएं हैं यहाँ पर, दो नहीं चार छह रचनाएं हमें मैंने दे दिया है, जो आपको अच्छा लगेगा याद करने में उसको कीजिएगा। फिर भाषा से, भाषा यहाँ पर शैली है, दोनों है। इसके बाद आपका साहित्य में यहाँ पर ही स्थान है, इसके बाद इसको लिख लीजिएगा। लिखने के बाद आपको अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पर, निम्न बिंदुओं के आधार पर महादेवी वर्मा जैनेन्द्र साहित्य परिचय, यहाँ इसको भी दो रचनाएँ, भाषा शैली, साहित्य में स्थान लिखना है। तो इसका भी यहाँ पर देख लीजिए, रचनाएँ यहाँ पर जैनेन्द्र जी का था, यहाँ पर है, यही हो जाएगा। इस प्रकार से आपका अगला है अपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे क्वेश्चन जो दिए हैं इसके आंसर लिखना है। तो अपठित गद्यांश है यानी कि आप जानते हो पैसेज है, एक हिसाब से देखा जाए। इसको पढ़ने के बाद जो है उपयुक्त शीर्षक जो है आप लोग को, चलिएगा इसका राइट आंसर जो है देख लेते हैं। 18वें का भी यहाँ पर देख लो, 18वें का भी यहाँ पर देख लीजिएगा, सोटा छंद की परिभाषा सही उदाहरण सहित, तो सोटा छंद का ये राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार 19वें का पहला में देश प्रेम का भाव, दूसरे का देख लीजिए राइट आंसर, तीसरे का, इस प्रकार से आपका अगला क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर है, निम्नलिखित में से पद्यांश को पढ़ते भवार संदर्भ प्रसंग, संदर्भ सहित लिखिएगा, संदर्भ प्रसंग व्याख्या, तो ये जो है दिया गया है आपका, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, प्रस्तुत पदा हमारी पाठ्यपुस्तक जो है आरोह भाग दो से कविता का आत्मपरिचय से लिया गया है। इसके रचयिता हरिवंश राय बच्चन जी हैं, तो इसका प्रसंग किया हो जाएगा, हरिवंश राय बच्चन जी अपने आत्मपरिचय के सजीवों की चित्रण किया है। इसका व्याख्या ये हो जाएगा कुछ इस प्रकार से, स्क्रीनशॉट ले लो और इसको तैयार कर लो। इस प्रकार से आपको जो है अगला क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर, निम्नलिखित में से जो है गद्यांश को पढ़कर व्याख्या संदर्भ प्रसंग विशेष सहित लिखिए, यानी कि आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या, ये पैसेज है आपको गद्यांश से, तो इसको भी पढ़ के नीचे जो है संदर्भ प्रसंग व्याख्या आप लोग को लिखना है। तो कुछ क्वेश्चंस नहीं रहेंगी, तो ये आपका संदर्भ प्रसंग व्याख्या यही हो जाएगा। इस प्रकार से आपका अगला है यहाँ पर, नगर पालिका के अध्यक्ष जेल के लिए अनियमित परिधि समय शिकायती पत्र लिखना होगा, तो ये आपका शिकायती पत्र हो जाएगा, सेवा में श्रीमान अधिकारी महोदय जी। इसके बाद आपका हो जाएगा ये देख लीजिएगा, शिकायती पत्र यहाँ पे विषय में डाला गया है। इसके बाद आपका ये राइट आंसर हो जाएगा, इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइए फटाफट। और आपका इस प्रकार से चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित किसी एक विषय पर रूपरेखा सहित निबंध लिखना है, तो आप लोग को यहाँ पर जो है स्वावलंबन पर लिखना है, भारतीय पर्व, आनंद, जो भी आपको अच्छा लगे किसी एक पर, तो आप ये आपका कितने नंबर का, 4 नंबर का है, तो आपको लिखना है। तो मैंने स्वावलंबन पर लिखा है, तो स्वावलंबन पर आप भी लिख लीजिएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका अपनी जो है क्षमताओं को अपने प्रयत्न का जो है आश्रित रहकर कार्य करना, यह गुण आने के व्यक्ति के एक दूसरे को की आवश्यकता नहीं करती है। स्वावलंबन के लिए जो है जड़ इच्छा के शक्ति कठोर परिश्रम की आवश्यकता होती है। स्वावलंबन का जो है पाठ किसी विद्यालय में नहीं पढ़ाया जाता और न ही किसी एक उपदेश से आता है। जीवन की आवश्यकता स्वावलंबन का की भावना को धीरे धीरे विकसित करता है। इस प्रकार से यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ये पर। इसके बाद आपका जो है पूरा क्वेश्चन को मैंने कंप्लीट करवाया, आशा है आपको, अगर आप जो है ना इस वीडियो को अगर आप एक बार अच्छे से ढंग से पढ़ लो ना, तो मैं दावा के साथ कह सकता हूँ कि इससे जो है आपका 80% आपका 80% तो फाइनली याद हो जाएगा यहीं से, कहीं आपको जाने की कोई 20% की अगर बात की जाए तो 20% अगर आप इसको देखते हो तो वो तो वैसे ही याद हो जाएगी, क्योंकि आप एक बार पढ़ोगे ना, रिवीजन करके जाओगे तो 20% हो, और 80% अगर आप ढंग से इसको पढ़ोगे ना
अगर कोई शोर वगैरह ना हो, आपको शांत जगह पर जाना है। अगर हमारा अगर वीडियो खोल के देख रहे हो ना ढंग से, तो शांत जगह पे जाके एकत्रित होके शांत मन से पढ़ना है। इसके बाद अगर आप इस वीडियो को जो एक बार देख लेगा लड़का ना, वो ज़िंदगी में कभी नहीं जो है कि इस क्वेश्चन को नहीं भूलेगा। और जो है ऐसे ही आप जो है बहुत सारे टॉपर्स विद्यार्थी भी कमेंट आता है कि सर जो है आपका बहुत अच्छा जो है पढ़ा, टॉप करते हैं विद्यार्थी हमारे चैनल पर होके। जहाँ अगर कोई विद्यार्थी हमारे चैनल से टॉप नहीं अन्य चैनल पर पढ़ता है, तो हमेशा ही जो है सप्लीमेंट्री या फिर रुकजाना में चले जाते हैं। जो है हमारे चैनल पर टॉप जो है 90% लाते हैं विद्यार्थी। तो इस प्रकार से आप जो है इस पेपर को मैंने सोल्यूशन के साथ प्रोवाइड किया। आशा है कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। और जो है इस पेपर को चाहिए, अगर इसका पीडीएफ चाहिए, सॉल्यूशन का पीडीएफ चाहिए, तो पूरा कहाँ मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है जो है टेलीग्राम, उसमें ज्वाइन हो जाओ, वहाँ से पूरा मिल जाएगा। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो तब तक जय हिंद।